हाय गाइस, तो आज है 30 डेज योगा फॉर बिगिनर सीरीज का डे 7 और आज जो हम आसन करने वाले हैं उसका नाम है पादहस्तासन, जिसे हम फॉरवर्ड बेंडिंग पोज के नाम से भी जानते हैं। तो आसन कैसे किया जाता है, चलिए आगे वीडियो में हम जान लेते हैं। इस आसन को करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाइए योगा मैट के ऊपर, चेस्ट बाहर, शोल्डर पीछे। अब आप चाहें तो ऐसे करके भी हाथ को ऊपर उठा सकते हैं, या फिर इसका दूसरा तरीका है, आप साइड से भी ले जाकर हाथों को ऊपर तान सकते हैं। तो दो तरीके से आप हाथ ऊपर कर सकते हैं इस आसन में। तो चलिए आसन कैसे करना है वो देख लेते हैं। योगा मैट पर सीधे खड़े रहेंगे, अब इनहेल करेंगे, इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, एक्सहेल सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएंगे और टो टच करने की कोशिश करेंगे। ज़बरदस्ती नहीं करना, जितना आपका हाथ जा रहा है वहीं तक जाइए। फिर इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए स्लोली साइड। एक बार आपको मैं साइड से दिखा देता हूँ। इनहेल करते हुए हम ऊपर जाएंगे, हाथ तान देंगे, एक्सहेल करते हुए स्लोली डाउन नीचे आएंगे। जितना इजीली आप पा रहे हैं, कोई झटका नहीं देना, कोई जर्क नहीं देना। फिर से इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे। आप चाहें तो शुरुआत में घुटनों को मोड़ सकते हैं, नी बेंड करना चाहो आप कर सकते हो, क्योंकि आप अभी बिगिनिंग स्टेज पे हो। अब यहीं से फिर से इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए स्लोली डाउन। अभी आपको स्ट्रेचिंग फील हो रही होगी अपनी हैमस्ट्रिंग मसल पे, तो अभी स्ट्रेचिंग आएगी। थोड़ा बहुत इस आसन के बाद थोड़ा पेन हो सकता है, तो ये करते करते धीरे धीरे हील हो जाएगा, क्योंकि अभी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसीलिए कर रहा है ये पेन। ऐसे एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल सांस को भरते हुए ऊपर जाएंगे, फिर से एक्सहेल करते हुए नीचे। अब ये मैं तो कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, आप चाहो तो इनहेल करके हाथ ऊपर और एक्सहेल करके नॉर्मल पोजीशन में भी आ सकते हो, आप ऐसा इंटरवल में भी बार बार कर सकते हो। अब आपको नीचे जो मैं आ रहा हूँ, आपको कोशिश करनी है यहाँ पर आके होल्ड करना है, जितना आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली, कोई ज़बरदस्ती नहीं करना। फिर से इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। कोई ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना लोअर बैक को, क्योंकि इसमें जर्क आने का डर रहता है। अब अगर ये भी करने में आपको डिफ़िकल्टी हो रही हो, तो आप कोई भी ऐसी चीज़ ले सकते हैं जो ज़मीन से थोड़ी ऊंची हो। मैं यहाँ पर ब्लॉक्स का यूज़ कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर दो ब्लॉक्स यूज़ किए हैं, आप तीन या चार ब्लॉक का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप इन दोनों बिग्स पर भी हाथ नहीं पहुँचा पा रहे हैं तो। इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, एक्सहेल करते हुए आपको हाथ जो है आप ब्लॉक्स के ऊपर रखना है, नी बेंड कर सकते हैं। अब आपको लगेगा कि धीरे 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 आप स्ट्रेच कर सकते हैं, कोशिश करिए घुटनों को सीधा करने का, बट कोई जर्क नहीं देना। अगर शुरुआत में नी बेंड हो रहा है, बेंड ही रहने दीजिए। फिर से एक्सहेल, स्लोली डाउन, ट्राई ये स्ट्रेच। ये आप शुरुआत में मत करिए, जब आपको 1 वीक, 2 वीक्स या 3 वीक्स हो जाए उसके बाद आप ऐसा कोशिश कर सकते हैं करने की। एक्सहेल करते हुए फिर से नीचे। अब आपको लग रहा है कि ये आपके लिए इजी है, आप एक ब्रिक को उठाकर रख सकते हैं और जो नीचे वाली ब्रिक है उस पर हाथ टच करने की कोशिश करेंगे अभी, और जब ये भी होने लग जाएगा तो धीरे धीरे ये, इसकी प्रैक्टिस आप 2 हफ्ते तक करते रहेंगे 1 ब्रिक के साथ। तो जब 1 ब्रिक भी हो जाएगा तो धीरे से आप ये ब्रिक भी हटा सकते हैं, तो आप ज़मीन पर आराम से कर पाएंगे टच। तो भी जान लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो ये था डे 7, जिसमें हमने जाना कि पादहस्तासन कैसे किया जाता है। अगर आपने डे 1 से लेकर डे 6 तक वीडियोस नहीं देखी हैं, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाके देख सकते हैं और मेरे साथ योगा को शुरू कर सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आसन के साथ।